रे हम सदके तुम्हारे। बेटा कर रखो फयाज का। ना खाला जी, हाथ ना लगाना मुझे। दवाइयां लेकर आया, जख्मों पर लगा देना। बुरा लेकर मार खा कर आए। डर तो नहीं रहा? ना मत, अभी तो बड़ी मार पड़नी है। चल कौसर, दूध गरम कर, मैं फिट करी फुलके मिलाती। अब कोई नहीं मारेगा, तुमको पता चल गया। मार डालेंगे तो ठीक है, मारने से कुछ नहीं होगा। आज नहीं छोड़ूंगा इसको। कहाँ है ये? ना। आप वकील हो भाईजान? चाकू पिस्तौल आपके हाथ में सचता नहीं है। बड़ा गुस्सा है मुझ पे, तो जाके सलाह कर लो। आज रात मैं यहीं रहूंगा। कोई हिम्मत वाला है तो उसे कहो आकर गोली मार दे, बस यही तरीका है। गाली दोगे? इसकी कसम मारूंगा नहीं, मार डालूंगा। मर्जी क्या है तेरी मुड़िया? क्या चाहता है आखिर तू? कौन है ये? मेरे ताया जी। सलाम ताया जी। चलो रहने दो पाजी, उन्होंने भी तो देखो कैसी बेदर्दी से मारा है इसको। उन्होंने क्या मारना है, मारा तो इसने। चारों की लाशें बिछा कर आया हूं, दो अस्पताल गए, दो जरा के पास, चारपाइयों पे डालकर छोड़ कर आया उन सबको। हटो। ओ खलील बादशाह, ये क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ डॉक्टर, मैं बिल्कुल ठीक हूं। किसने मारा इसे? रुक जा डॉक्टर, जिन चारों ने इसे मारा है उनमें से दो अस्पताल में पड़े, दो जरा के पास, ये उनको मार के आया है। वो तो मौलवी साहब ने रोक दिया, वरना मैं जान से मार डालता। ये
चारों को मारा है तूने। अभी का मारा है डॉक्टर साहब, अभी तो मारूंगा, कल मारूंगा। देख पुत्र, जो होना था हो गया, बस अब इस लड़ाई को यहीं पे खत्म कर दे। अब आप सब लोग चले जाएं यहां से। आज मैंने पहली बार मार खाई है, मुझे तो डरते हुए कोई बाउंसर नहीं मारता, सालों ने मुंह पर मुक्के मारे हैं। चल उठ इम्तियाज, उठ, आराम करने देने। देखो भाईजान, मुझे जान से मार डालना पर दोबारा गाली कभी ना देना। चलो तुम लोग भी घर जाओ, चलो। फिटकरी फूल कर दो अम्मी जी। चल मैं तेरी पट्टी कर देता हूं। ना डॉक्टर, तू खड़ा होकर इंस्ट्रक्शंस दे, पट्टी वो कराएगा। इश्क के मोड़ मुड़े हैं जब से, होश हवास उड़े हैं तब से, इश्क दिल के दर पे यूं आया था, हाँ आया था, इश्क आया था, सो हम नजर उतारे। हरे हम सदके तुम्हारे, हरे हम सदके तुम्हारे, तुम्हारे तुम्हारे सदके तुम्हारे, तुम्हारे तुम्हारे सदके, हरे हम सदके तुम्हारे, हरे हम सदके तुम्हारे। आपसे एक सलाह लेनी थी मौलवी साहब। हुक्म जो हुआ जाहिर है दोनों तरफ से बुरा हुआ, मकसद खून खराबा नहीं था। हालांकि मेरा पुत्र वकील बन गया है, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये बात लाहौर पहुंचने से पहले मामला रफा दफा हो जाए। कैसे? मैंने देखा है मौलवी साहब कि वो लाहौर वाला मुंडा आपकी बात मान लेता है, तो बेहतर यही है कि दिन चढ़ते इन लोगों की सुलह करा दी जाए। सुलह तो बड़ी आसान है इब्राहिम साहब, चाहोगे तो खलील आपकी जूतियों को हाथ लगा देगा। वो कैसे? उसकी शानों दे दो, बचपन के मंगेतर हैं दोनों और इस बात का पूरे बलगन को पता है। बात अब सिर्फ मंगनी तक नहीं रह गई है, दोनों को एक दूसरे की लगन लग गई है, और लगन तो रब की देन है इब्राहिम साहब, इसमें उन बेचारों का क्या कसूर है। और फिर आप भी सियाने और अकलमंद हो, एक लड़के का चार लड़कों से लड़कर जीत जाना कोई इंसानी काम तो नहीं है, कोई खुदाई मदद थी उसके साथ। और मेरा दिल कहता है कि अब वो भी लड़ेगा और जिस जिस को चाहेगा मारेगा। उसकी शानों उसके हवाले कर दो, वो आप लोगों के पैर धो धो के पिएगा। ये मेरे इख्तियार में नहीं मौलवी साहब। लाहौर वालों को इनकार तो आप ही ने किया था। वो तो मैंने अमीन के कहने पे किया था, और मेरी तो अपनी भी मर्जी नहीं है। मैं तो इस बात पे भी राजी नहीं हूँ कि जिस लड़की की मर्जी कहीं और है उससे मैं अपने बेटे का ब्याह कर दूँ, लेकिन वो मेरी मिन्नतें कर रहा है। तो आप समझाओ ना उसे। मैंने समझाया था उसे, लेकिन उसके भी इख्तियार में कुछ नहीं है। आप सुलह कराओ मौलवी साहब, ताकि लड़ाई झगड़ा खत्म हो, फिर बैठ के देखते हैं इस मसले को भी। ठीक है, आप सुबह उन चारों को लेकर आ जाना, मैं उससे बात करता हूँ। ठीक है मौलवी साहब। वाह मौला,
तेरी शान वानर। खलील बादशाह। ओ खलील बादशाह, चलो मुंह हाथ धो और नाश्ता कर। ब्रश और डॉक्टर सहारा ना दे मुझे। आला हंसेगी देखकर, मैं चल लेता हूं। श्योर? श्योर, चल। संभल चक्कर आ गया था, इधर खुड़े पे कर लेता हूं ब्रश। अब्बा जी इसीलिए गए ना पिंडी, ताकि बाद में खालू जी को बता सके कि मैं तो बलगन में था ही। अब क्या करेंगे? ख्वास बंद कर अपने, बदला लेना ही है तो खालू जी से लो ना। मुझे उस गरीब का क्या कसूर, मुझे गरीब का क्या कसूर है? ऑमलेट या फ्राई? दो ऑमलेट दो फ्राई। अच्छा जी अच्छा, अस्सलाम वालेकुम ठेकेदार साहब। वालेकुम सलाम। कोई मेहमान तो नहीं आया लाहौर से? हाँ जी हाँ आया है जी, बाबू खलील आया। अच्छा, मेरा ख्याल आपको इतला नहीं हुई। कैसी इतला? वो जी फयाज और उसके दोस्त बाऊ खलील को इधर से ले गए थे। उन सारों ने जाके उस बेचारे को बड़ा ही मारा जी, बड़ा ही मारा, लहू लुहान कर दिया उसका। अल्लाह माफ कर, अल्लाह माफ कर। अच्छा, बड़े कमीने हैं वो। मैं
मैं पूछता हूँ उनको जाकर। पूछने की अब जरूरत नहीं है जी, उस जीवन योगे ने फिर जो उनको मारा है, जो लहू लुहान किया है, जो फेंटी लगाई है, अल्लाह की पनाह भी नहीं मिली उनको। दो को तो अस्पताल जमा कराते हैं और दो को जिरा से पट्टियां शट्टियां करा के मंजियों पे डाल के ले आया हूं। अच्छा ठेकेदार साहब, मुझे इजाजत है। हाँ हाँ ठीक है, जाओ जाओ। खाला ने उसे चिमटे से मारा था। आराम से नाश्ता कर, माँ है उसकी, मार सकती है। उसके चेहरे पर निशान देखे? तूने अपने चेहरे पर निशान देखे? मैं तो जंग लड़के आया हूँ डॉक्टर। वो भी जंग लड़ रहा। खाला की प्रॉब्लम क्या है यार, नफरत क्यों करती है मुझसे? मेरे अंदर क्या बुराई? बुराई तेरे अंदर नहीं, खाला के अंदर। जब औरत बदला लेने पर उतर आती तो नागिन की तरह अपने बच्चे भी खा जाती है। बदला? सलाम अब्बा जी। सलाम अब्बा जी। अम्मा ने कल मुझे फिर मारा था। खलील आया हुआ है? जी। किधर है? नाश्ता कर रहा है। सलाम खालू जी। वालेकुम सलाम। हाँ भाई डॉक्टर, तू भी पहुंच गया? मैं और आप दोनों देर से पहुंचे खालू जी। आओ ना, नाश्ता करो। वापस कब जा रहे हो? जाने से पहले जाने का वक्त मैं बताऊंगा आपको। ये तो ठीक नहीं करा खलील। तो आप ठीक कर दो ना। मैं नहीं चाहता जो रुतबे में मेरे बाप की तरह हो उसके सामने में अपनी जबान चलाऊं। छोटी सी बात पर जंग करोगे तो बड़ी जंग हो जाएगी खालू जी। अपनी हालत तो देखो। आप उनकी हालत देखो जिनको मैं मार कर आया हूं। कोई पैरों पर चल सकता हो कह देना कि खलील अब्दुल रहमान का बेटा नहीं है। ठीक है, अब बात लाहौर में होगी, हमारी अम्मी और अब्बा जी के सामने। जहां मर्जी बात करो खालू जी, और जो मर्जी बात करो, बात एक ही होगी, जान दे दूंगा, शानू किसी को नहीं दूंगा। आकर बैठ, नाश्ता कर डॉक्टर। दुश्मन के सामने आए क्या? नाश्ता करो, यहां से चलो। ले, दुश्मन के कहने पर चला गया, फिटा मुंह मेरा। देखो नहीं बाश, असल काम तूने कर दिया, अब उन्हें बैठ के सोचने दे। सामने रहेगा तो गुस्सा करेंगे, चला जाएगा तो बैठ कर सोचेंगे कि लड़कर जीता नहीं जा सकता। दुश्मन जब हार मान जाए ना तो बात भी मान लेता है।
तुम्हारी सारी बातें एक तरफ है डॉक्टर, और खालू का पूछना एक तरफ है कि वापस कब जाओगे। ऐसे नहीं जाऊंगा। बैठ। मेरी कसम खा के बता, तेरी तरबियत में या मेरी मोहब्बत में कोई कमी रह गई है? नहीं अब्बा जी। सिवाय इसके कि मैंने लाहौर वालों को तेरे रिश्ते के लिए इनकार कर दिया है, मैंने कभी तेरी कोई बात टाली है? नहीं अब्बा जी। तो फिर जमाने की खाल मेरे सर पे क्यों डाल रही? शानू मर जाएगी अब्बा जी, पर आपका सर नीचा नहीं होने देगी। उसे कह के यहाँ से चला जाए। इसके सिवा जो कहोगे कह दोगे। देख बेटा, तुम दोनों की शादी नहीं हो सकती। मंजूर है अब्बा जी, पर मैं किसी और से शादी नहीं कर सकती। सारी जिंदगी मैं तुझे घर में बिठा के रखूंगा। नफरत को दिल में बिठा कर रख सकती, बेटी को घर में बिठा कर नहीं रख सकती। खून पी जाऊंगी शाना। खून आपका है मुझे, पी जाओ, पर किसी दूसरे को तो ना बुला। मैं सख्ती भी कर सकता हूँ शाना। आप सख्ती करो अब्बा जी, मैं सह लूंगी। सुन रहे हो आप? ऐसी नहीं थी मेरी शानू। शानू आज भी वैसी है मेरी, आपके हुक्म की पाबंद। दम कराओ इसे। दम कराए, दो बार कराए, कोई फर्क नहीं पड़ा। क्या नजर आ गया उसमें? ये तो कोई उससे भी पूछे मुझे, उससे क्या नजर आ गया मुझे। अच्छा उसे जाके कह आज तो जाए, बाद में आए। जी, कह देते। जी चले जाओ, फिर जब दिल करे आ जाना। सामने आओ, सामने आकर कहो। चला जाऊं? जी, फिर चाहे कल आ जाना। चाय पी लूं? अभी ये तो नहीं कहा, चाय पिए बगैर ही चले जाओ। आराम से बैठकर चाय पियो, फिर जाओ। इसे को पढ़े जाकर क्रिकेट तक खेलता है,
जाकर पढ़ना, क्रिकेट ना खेलते रहना। जी। और खाला खालू से कहना इनसे रिश्ता भी ना मांगे, इनकी नहीं मर्जी तो ना सही। नहीं मांगेंगे। और अपना ख्याल रखना, वक्त पर दवा लगाना, जल्दी से ठीक हो जाना। तुम तो कहती थी फिर मारेंगे मुझे। मरे पे क्या मारेंगे। कौन? सलाम साहब। वालेकुम अस्सलाम। सलाम। राम भाई खलील उठ गए जी। मौलवी साहब आप जाके बात करो। फयाज को क्या हुआ? आओ 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 जी आओ। वालेकुम सलाम मौलवी साहब। सलाम मौलवी साहब। वालेकुम सलाम। चल पुत्र फयाज आया है, जब भी पाओ। कहाँ है? बाहर खड़ा है। चलिए आपका हुक्म सर आंखों पर। शाबाश। चप्पी डालूंगा तो तुम्हें दर्द नहीं होगा? आप उम्र में से बड़े हो, थोड़ी देर भी होगी तो माफ कर दो। तुम ही मुझे माफ कर। मैं आपसे बहुत छोटा हूँ भाई, आप ही मुझे माफ कर। जा रहा हूं खाला जी, पर जाते हुए आपसे कुछ पूछना चाह रहा था। पूछ। मैं मर जाऊंगा उसके बगैर? जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में, वो भी मर जाएगी मेरे बगैर। तो मर जाए। हमारा कसूर क्या है? देख बेटा, जिसको सजा मिलती है जरूरी नहीं उसका कसूर भी हो।
ऐसा कौन सा आदमी है खाला जी, मुझे भी दिखाओ। मैं हूं ना तुम्हारे सामने बैठी। क्या सजा मिली है आपको? अपने बाप से पूछना। आप बताओ ना मुझे, किसी से कोई लेना देना है तो मुझसे बात करो। मेरी जिंदगी खराब हो रही है या फिर उसकी? देख हलीम, इन बातों का हल कोई नहीं है। तू कहानी सुन भी ले तो सुनकर फर्क कोई नहीं पड़ना। मेरे जीते जी तुम दोनों की शादी नहीं हो सकती। मैं नहीं होने दूंगी। मुझे चैलेंज ना करो। जा, चैलेंज है मेरा। जा अपने बाप से पूछ ले, तो सब याद। तू भी इतना याद रख, तलवार के फट सिए जाते हैं। जो फट मेरे दिल पर वो कोई नहीं सी सकता। अल्लाह के हवाले। अल्लाह के हवाले। जाते हुए बस एक बात बता दूं आपको, किसी के साथ क्या हुआ और किसी ने आपके साथ क्या किया, अल्लाह उसको माफ करे और आपको सब्र दे। और मैं उस जुर्म की सजा नहीं भुगतूंगा जो मैंने किया ही नहीं। चाहूं तो शानू का हाथ पकड़ कर ले जाऊं, पर आपकी इज्जत आबरू पर खर्च नहीं आने दूंगा। एक दिन आऊंगा, टोली पे बिठा कर ले जाऊंगा उसे। कयामत आएगी उसे। कयामत भी आएगी, ले जाऊंगा उसे। फिर मेरे मरने की दुआ कर खलील। आपके जीने की दुआ करता हूँ खाला जी, पर जो मेरे रास्ते में आएगा उसकी भी ऐसी की तैसी। कल परसों फिर आऊंगा। चल डॉक्टर, मेहरबानी करके अब ना आना है। इसका जवाब मैं खाला को दे आया हूं, बैठकर पूछ लेना। मैं चलता हूं। चल डॉक्टर। क्या हुआ? चक्कर आ गया। देख तेरी हालत ठीक नहीं है, कल चलेंगे। का हुक्म आ चुका है डॉक्टर साहब, हालत जैसी भी हो सफर तो होगा। चलो। सदके तुम्हारे